हेलो फ्रेंड, वेलकम टू नॉलेज आईक्यू अभिषेक। मैं अभिषेक आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल नॉलेज आईक्यू अभिषेक में। और फ्रेंड, जैसा कि वीडियो के थंबनेल से ही आप लोग को दिख गया होगा, मैं लुब्रिकेशन की एक पूरी पूरी डिटेल में एक वीडियो लेकर आया हूँ, जिसमें आपको पूरा लुब्रिकेशन का एक एक इंपॉर्टेंट पॉइंट समझा दूंगा और साथ में लुब्रिकेशन के कुछ इंपॉर्टेंट MCQs जो कि काफी पेपर्स में आ चुके हैं वो भी आपके साथ डिस्कस कर लूंगा। और इसमें मैं 100% कह सकता हूँ कि आपका लुब्रिकेशन से रिलेटेड इसके बाद कोई भी डाउट फ्रेंड्स नहीं रह जाएगा। बस इस वीडियो को आप लोग पूरी देखिए और आपका एक एक डाउट यहाँ से क्लियर हो जाएगा। एक एक टाइप को मैं डिस्कस में डिटेल में आपको बता दूंगा। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी क्योंकि टॉपिक थोड़ा सा लंबा है, तो उसके लिए आप बस थोड़ा सा सब्र रखें और वीडियो को आराम से देखें और सुनते रहें जो मैं बताता जा रहा हूँ। 100% कह रहा हूँ कि आपका जो है किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो फ्रेंड्स, मैं भी एक वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं लुब्रिकेशन बेसिकली है क्या। लेकिन लुब्रिकेशन कब करा जाता है? तो लुब्रिकेशन का जो फंक्शन होता है फ्रेंड्स, आपको पता होगा, मतलब फ्रिक्शन को कम करने के लिए, वियर को कम करने, इंक्रीज करने, मतलब वियर को कम करने के लिए, और जो आपके टूल्स या जो भी आपकी मशीन है या इंजन है तो उसमें फ्रिक्शन होता है, आप लोग को पता होगा। तो इस फ्रिक्शन के कारण क्या होता है, लॉसेस बढ़ जाते हैं। तो उन लॉसेस को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, जो लुब्रिकेशन का यूज करते हैं, जैसे ग्रीस हो गया, ऑयल हो गया, आपका मोबिल ऑयल हो गया, आपने देखा होगा बाइक वगैरह में, तो काफी सारे लुब्रिकेशन का यूज होता है। तो मतलब एक देख सकते हैं, लुब्रिकेशन अगर मैं बेसिकली बताऊं तो काफी सारे टाइप्स के होते हैं। लेकिन इलास्टो हाइड्रोडायनेमिक लुब्रिकेशन और हाइड्रोस्टैटिक लुब्रिकेशन, तो आपको ये चीज मतलब बताने से पहले आपको आपने पढ़ा होगा हाइड्रोस्टैटिक बियरिंग और हाइड्रोडायनेमिक बियरिंग, तो बस वही चीज है ये इलास्टो हाइड्रोडायनेमिक लुब्रिकेशन। तो देखिए आपको क्या होगा, जब आपकी सॉफ्ट मतलब जनरल और बियरिंग के बीच जो मोशन होता है उसके कारण जो ऑयल की फिल्म बन जाती है रिलेटिव मोशन के कारण, तो वो जो मतलब वहां पर जो लुब्रिकेशन होता है वो सिस्टम कहलाता है इलास्टो हाइड्रोडायनेमिक लुब्रिकेशन। मतलब आप समझिए, एक सॉफ्ट है, एक आपकी बियरिंग है, तो सॉफ्ट जब बियरिंग के अंदर घूमती है तो उसके कारण क्या होता है, चारों ओर जो उसके ऑयल होता है उसकी रिलेटिव मोशन बन जाता है। मतलब वो ऑयल के साथ जो होता है सॉफ्ट घूमने लगती है, तो उसके कारण जो आपका बियरिंग होता है वो क्या कहलाता है, आपका हाइड्रोडायनेमिक बियरिंग। तो यही चीज जो में लुब्रिकेशन होता है वो कहता है हाइड्रोडायनेमिक लुब्रिकेशन। इसी तरीके से आपका फ्रेंड्स हाइड्रोस्टैटिक लुब्रिकेशन क्या होता है, आपने हाइड्रोस्टैटिक बियरिंग पढ़ा होगा, उसमें क्या करते हैं, बियरिंग के अंदर से नीचे से आपके पंप लगा के प्रेशर से आपका क्या करते हैं, ऑयल को सप्लाई करते हैं, जिससे क्या होता है एक ऑयल की लेयर पूरे जो होती है आपकी सॉफ्ट के चारों ओर बन जाती है मोटी लेयर, और वो ऑयल प्रेशर से क्या तरह लेयर पूरी रहती है। तो जब आपकी सॉफ्ट बियरिंग के अंदर घूमती है तो चारों ओर क्या रहती है, ऑयल पंप के प्रेशर के कारण जो होता है सॉफ्ट जो होती है जनरल से टकरा नहीं पाती है, और जो सॉफ्ट होती है वो क्या कहते हैं पूरी तौर से घूमती रहती है। ठीक है, तो देख लीजिए इसकी डेफिनेशन आपको बता रहा, लुब्रिकेशन इज द फिनोमेना दैट ऑकर्स व्हेन द बियरिंग मटेरियल इटसेल्फ डिफॉर्म इलास्टिकली अगेंस्ट द प्रेशर बिल्ट अप द ऑयल फिल्म। ठीक है, इलास्टिकली डिफॉर्म हो जाता है। तो आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि इलास्टो हाइड्रोडायनेमिक लुब्रिकेशन और हाइड्रोस्टैटिक लुब्रिकेशन में अंतर क्या होता है। तो ये चीज मैंने आपको बहुत इजीली तरीके से समझा दी। अगर आपने हाइड्रोस्टैटिक बियरिंग और हाइड्रोडायनेमिक बियरिंग पढ़ा होगा तो आपको ये कोई भी दिक्कत नहीं आ रही। बाकी एक बार फिगर से भी आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ, देख लीजिए। मान लीजिए आपका बियरिंग इसके अंदर सॉफ्ट है, अगर मान लीजिए इसके अंदर ये सॉफ्ट के चारों ओर क्या है आपका, ये चारों ओर आपके लुब्रिकेशन है, तो जब सॉफ्ट घूमती है तो लुब्रिकेशन क्या होगा, इसके साथ साथ घूमेगा, तो इनके बीच में रिलेटिव मोशन होगा। जब इनके बीच में फ्रेंड रिलेटिव मोशन होगा तो यहाँ पर एक बियरिंग की वो मतलब एक लुब्रिकेशन का सिस्टम होगा, तो ये आपका कैसा लगेगा, हाइड्रोडायनेमिक लुब्रिकेशन। लेकिन अगर मान लीजिए ये एक आपका बियरिंग है और ये आपकी सॉफ्ट लगी है, इसमें पंप के थ्रू हम ऑयल सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, और चारों ओर ऑयल है, तो ये इस टाइप का जो सिस्टम हो जाएगा वो क्या कहलाएगा, हाइड्रोस्टैटिक सिस्टम। ठीक है, हाइड्रोस्टैटिक बेयरिंग के अंदर आप ये यूज कर सकते हैं। बाकी आपको बताता हूँ फ्रेंड्स, जो लुब्रिकेशन में आपका जो ऑयल वगैरह या जो भी लुब्रिकेंट यूज करा जाता है, अगर हमें उसको एंटीऑक्सीडेंट और एंटी कोरोसिव मतलब जंग लगने से बचाने वाला ऐसा प्रोडक्ट बनाना है, या जो लुब्रिकेशन की ऐसी प्रॉपर्टी को इंक्रीज करना है कि वो जंग कम लगाए बाकी एंटीऑक्सीडेंट रखे, तो उसके लिए हमें एक आपका एलिमेंट होता है जिंक डिटनोफॉस्फेट। ठीक है, जिंक डिटनोफॉस्फेट ही इंपॉर्टेंट है, इसे याद रख लीजिए। जिंक डिटनोफॉस्फेट का यूज करते हैं ताकि उसमें एंटीऑक्सीडेंट और कोरेसिव एडिटिव यानी जो जंग की क्षमता को क्या करता है वो जो कि मतलब ऑयल के अंदर जो जंग लगने की क्षमता होती है उसे वो बढ़ा देता है, ताकि इससे क्या होता है जंग देर से लगती है। बाकी देख लेते हैं जनरल बियरिंग, आपको बताई दिया मैंने, ये आपका जनरल होता है, ये आपका होता है ऊपर बियरिंग। ठीक है, तो शॉप जब घूमती है तो उसके कारण आपकी ऑयल की फिल्म बन जाती है, तो इसके कारण रिलेटिव मोशन के कारण ठीक है ऑयल सप्लाई भी करते हैं यहाँ से। तो हाइड्रोस्टैटिक बियरिंग के अंदर आपको पता ही होगा कि नीचे से ऑयल सप्लाई करते हैं, तो उसके कारण जो लुब्रिकेशन होता है वो कैसे कहलाता है, हाइड्रोस्टैटिक लुब्रिकेशन। तो फ्रेंड्स देखते हैं स्टेबल लुब्रिकेशन की एक मैंने आपको ग्राफ दिखाया है, और आपको बता दूं जो अभी टाटा स्टील का एग्जाम हुआ था और SSC JEE का भी एक से पहले एग्जाम हुआ था, उसमें ये पूछा गया था कि ये एक्स एक्सिस होती है, आपको बता दूं सॉरी ये वाई एक्सिस होती है, ये आपकी होती है एक्स एक्सिस। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा गया था कि ये वाई जो एक्सिस होती है इसमें क्या होता है।
ठीक है, एक्स एक्सिस का आपको दे रखा था कि ये बेयरिंग कैरेक्टरिस्टिक नंबर, जेड फॉर विस्कोसिटी, एन फॉर आरपीएम और पी फॉर प्रेशर, ठीक है। लेकिन आपसे पूछा गया था कि ये वाई पे कौन सा होता है, तो इसमें दो ऑप्शन दे रखे थे, एक दिया हुआ था मतलब तीन, मतलब चार ऑप्शन थे, लेकिन मेन जो कन्फ्यूजन वाले दो थे, एक तो दिया था कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन और दूसरा दिया गया था आपका प्रेशर, ठीक है। तो यहाँ पे कन्फ्यूज हो रहा था, प्रेशर लगाए कि कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन लगाए, तो यहाँ पे कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन क्या हो जाता है, आपका आंसर हो जाता है। यही सेम क्वेश्चन आया था, अब इसे देख लेते हैं इस ग्राफ में है क्या। तो यहाँ पे ग्राफ में आप एक नोट कर सकते हैं कि कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो वहां पर आप देखिए जैसे जैसे कोफिशियंट ऑफ ग्राफ बन कर रहा है, ये बाउंड्री कंडीशन आपको दिख रही होगी, तो बाउंड्री कंडीशन देखिए वैसे वैसे इससे क्या होती जा रही है, पास आती जा रही है, और साथ में जैसे जैसे आपका ये बढ़ता जा रहा है तो वैसे वैसे आपकी इसकी जो बाउंड्री कंडीशन है उससे दूर है। तो ये जो चीज आपकी क्या है, हाइड्रोडायनेमिक लुब्रिकेशन, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया, तो हाइड्रोडायनेमिक लुब्रिकेशन के अंदर आपको पता ही होगा कि ये बेयरिंग कैरेक्टरिस्टिक नंबर क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। जेड एन अपॉन पी की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी, ठीक है, तभी तो ये आपका हाइड्रोडायनेमिक रिंग बनेगा, बाकी बाउंड्री कंडीशन इस ग्राफ के अंदर है। तो इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही बनता है कि हाइड्रोस्टैटिक, हाइड्रोडायनेमिक बेयरिंग, कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, ये सब चीजें जो है इसमें फ्रेंड्स काफी ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट बनती हैं। बाकी इसमें आपको दोनों चीजें मेरे बेसिकली समझ में आ गई होंगी, बाकी नीचे देखते हैं। अब आया आपका मेन चैप्टर, देखो लुब्रिकेशन हम इंजन के किस किस कंपोनेंट के अंदर करते हैं, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहां देखते हैं, देखिए पिस्टन और सिलेंडर में भी करते हैं लुब्रिकेशन, क्रैंकशाफ्ट और देयर बेयरिंग में भी करते हैं, बिल्कुल करेक्ट, क्रैंक पिन एंड देयर बियरिंग उसमें भी करते हैं, बिल्कुल करेक्ट, रिस्ट पिन एंड देयर बियरिंग उसमें भी करते हैं, और वॉल्व गियर में भी हम लुब्रिकेशन करते हैं। देखिए इन सब में क्या होता है, मोशन होता है, इन सब में क्या होता है, मोशन होता है, और जब मोशन होगा तो उसके कारण क्या होगा, आपका फ्रिक्शन जनरेट होगा, और फ्रिक्शन जनरेट होगा तो उसको हमें दूर करने के लिए क्या करना होगा फ्रेंड्स, लुब्रिकेशन करना होगा, ठीक है, ताकि वहां से फ्रिक्शन क्या हो जाए, कम हो जाए, और हमारे जो कंपोनेंट है वो सेव रहे, सुरक्षित रहे। तो देखिए यहां से इंपॉर्टेंट चीज स्टार्ट हो जाती है कि लुब्रिकेशन सिस्टम कितने टाइप के होते हैं। तो देखिए इंजन के अंदर लुब्रिकेशन सिस्टम आप तीन टाइप से डिवाइड कर सकते हैं, मिस्ट, वेट सम्प और ड्राई सम्प, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, मिस्ट, वेट सम्प लुब्रिकेशन सिस्टम और ड्राई सम्प लुब्रिकेशन सिस्टम। आपको एक ही चीज बिल्कुल समझ में आ जाएगी, बस आप आराम से इसे सुनते रहिए, कोई दिक्कत नहीं आने वाली, मैं आपको एक एक बहुत इजीली तरीके से समझा दूंगा। डायग्राम बनाए हैं मैंने बहुत मेहनत से, सारे डायग्राम बनाए हैं, एक एक डायग्राम से आपको समझा दूंगा, आगे वीडियो में आप देखना खुद एक एक चीज आपकी क्लियर होगी। तो मिस्ट लुब्रिकेशन सिस्टम, तो मिस्ट लुब्रिकेशन सिस्टम क्या होता है, और वेट लुब्रिकेशन सिस्टम क्या होता है, और ड्राई सम्प लुब्रिकेशन सिस्टम क्या होता है, इसके में हम डिटेल से देखेंगे। तो सबसे पहले हम बिना देर करते अपने आते हैं मिस्ट लुब्रिकेशन सिस्टम। तो देखिए मिस्ट मतलब आप एग्जांपल के तौर पे मैंने कैसे याद रखा है, मिक्स्ड, मिस्ट मतलब मिक्स्ड, मिस्ट मतलब जैसे आपको बताता हूँ, आपने देखा होगा पहले क्या होता था, जो मोपेड वगैरह छोटी छोटी गाड़ी आती थी, छोटी छोटी जो मतलब कहते थे कि ये छोटी छोटी गाड़ियां हैं, उनमें क्या होता था, आप देखना कभी पेट्रोल के साथ या ऑयल के साथ उसमें क्या करते थे, कुछ थोड़ा सा लुब्रिकेंट या उसमें वो मिला देते थे, मोबिल ऑयल, और दोनों चीजों को आप इंजन के जो आपकी टंकी होती थी उसके अंदर डाला जाता था, मतलब ऑयल के साथ साथ पेट्रोल वगैरह जो भी उसका जो फ्यूल होता है उसमें मिला के डालते थे। आपने देखा होगा कि थोड़ा सा वो डाला, एक पैकेट पूरा फाड़ के और साथ थोड़ा ऑयल डाला, यानी तो वो कितने परसेंट डालते थे, 6 से 7% तक, ज्यादा नहीं डालते थे, आपका छोटी सी थैली में आपने देखा होगा आता होगा ऑयल। तो ये किस मतलब किस टाइप के इंजन में करते थे, ये हमेशा 2 स्ट्रोक इंजन में करते थे, लेकिन अब तो 4 स्ट्रोक इंजन आने लगे, तो मिस्ट लुब्रिकेशन सिस्टम का जमाना अब जो है बिल्कुल खत्म होता जा रहा है। अब भी है थोड़ा बहुत 2-4% है, लेकिन अब ज्यादा नहीं। मोपेड वगैरह जो गाड़ी आती थी, आपने लोग सुना होगा, उसमें दोनों चीजें फ्यूल और आपका जो मोबिल ऑयल होता दोनों मिला के इंजन में डालते थे। तो इस टाइप का जो लुब्रिकेशन सिस्टम कहलाता है आपका, क्या कहलाता है, मिस्ट लुब्रिकेशन सिस्टम, और ये काफी ओल्ड लुब्रिकेशन सिस्टम है, इसका अब जो ज्यादा यूज नहीं होता है। तो ये चीज आपको समझ में आ गई, क्यों नहीं यूज करते, देखिए क्यों इसलिए यूज नहीं करते, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा धुआं निकलता था। आप लोग ने देखा होगा पहले की गाड़ियों में क्या होता था, काला काला मोबिल ऑयल निकलने लगता था, गंदा सा काला, तो उससे क्या होता था, धुआं वगैरह ज्यादा होता था, तभी तो मोबाइल जल जाता था। बाकी इससे कोरोजन क्या होता है, ज्यादा हो जाता है, क्योंकि आप देखिए जब जो आपका, एक बार समझिए, जब आपका जो मोबिल ऑयल वगैरह होगा इंजन के कंपोनेंट पे, मतलब पूरा एक तरीके से जल जाता था ब्लैक होके, तो वो क्या होता था, इंजन के कंपोनेंट पे चारों तरफ चिपक जाता था, उससे क्या होता था, इंजन के अंदर कोरोजन और उल्टा बढ़ जाता था। जब इंजन में मतलब मान लो आपने नहीं डाला दोबारा ऑयल, तो वो कोरोजन पैदा कर देता था, इसलिए ये सिस्टम अब ज्यादा यूज नहीं होता है, ठीक है। तो मिस्ट लुब्रिकेशन सिस्टम मेरे ख्याल से आपको बिल्कुल एक एक चीज में क्लियर हो गई होगी ये किस टाइप का होता है, मिस्ट मतलब मिक्स्ड, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे आया वेट सम्प लुब्रिकेशन सिस्टम, वेट सम्प लुब्रिकेशन सिस्टम। देखिए वेट मतलब होता है गीला, सम्प मतलब होता है कोई एरिया, और लुब्रिकेशन मतलब होता है आपका जो भी लुब्रिकेशन। तो यहाँ देखते हैं ये वेट लव मतलब ये तीन टाइप का होता है, कैसा, तीन टाइप का, कैसे देखते हैं, स्प्लैश सिस्टम, स्प्लैश एंड प्रेशर सिस्टम,
और द प्रेशर फीड सिस्टम, मतलब स्प्लैश सिस्टम, स्प्लैश प्रेशर सिस्टम, द प्रेशर एंड फीड सिस्टम। अभी आप टेंशन ना लें, आपको एक एक चीज़ समझ में आ जाएगी बहुत आसानी से, आपको मैं एक एक चीज़ क्लियर कर दूंगा। तो देखते हैं आगे। तो देखिए स्प्लैश सिस्टम, सबसे पहले हम देख लेते हैं स्प्लैश सिस्टम क्या होता है। देखिए मैंने पूरा डायग्राम बनाया आपके लिए ताकि आपके लिए किसी भी तरीके की कोई दिक्कत ना आए। तो आप लोग को पता होगा, ये देखिए आपका इंजन का नीचे वाला देखा होगा आपने, ट्रक वगैरह का अगर कभी इंजन आपने देखा हो तो नीचे एक टैंक होता है जिसके अंदर आपका ऑयल भरा हुआ रहता है। ये आपका यहाँ पे ऑयल भरा हुआ रहेगा, ये पूरा ये सब, ठीक है फ्रेंड्स, ये ऑयल भरा हुआ है। बाकी ये आपकी क्या होती है, ये आपकी होती है क्रैंकशाफ्ट। क्या चीज होती है? क्रैंकशाफ्ट। ये क्रैंकशाफ्ट का बिग एंड होता है, ये स्मॉल एंड होता है, जो भी मान लीजिए आप, मतलब क्रैंकशाफ्ट। और इसके अंदर यहाँ पे ऑयल पैन लगा हुए होते हैं, ठीक है, ऑयल पैन। ये देखिए ये आपको दिख रहा होगा, ये ऑयल पैन लगा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। और ये आपका होता है पंप, ये आपका देखिए पंप है, यहाँ देखिए आपको ये पंप दिख रहा होगा। और ये स्टेनर होता है, इसे कहते हैं छलनी, जो मतलब इसके अंदर ऑयल होता है तो ऑयल छन के जाए, कोई भी उसके अंदर गंदगी जो है वो पंप में ना जाए तो नुकसान हो। तो एक ही चीज पहले कंपोनेंट आपको बताता हूँ, ये आपकी क्या होती है, क्रैंकशाफ्ट। क्रैंकशाफ्ट, क्रैंकशाफ्ट का काम क्या होता है, जो वाल्व होते हैं आपके इंजन के अंदर, इनलेट और आउटलेट वाल्व, उनको ओपन और क्लोज करती है, आप लोग को पता होगा वाली बात, ठीक है। ये क्रैंकशाफ्ट नहीं, क्रैंक कैमशाफ्ट है, ठीक है, कैमशाफ्ट है। बाकी यहाँ पे क्या होता है, ऑयल प्रेशर गेज होता है, ठीक है, ऑयल प्रेशर गेज, जो ऑयल के प्रेशर को चेक करता है। तो ये तो इसका फ्रेंड स्प्लैश सिस्टम का बेसिक सा डायग्राम। तो स्प्लैश मतलब क्या होता है, छपाक। जैसे आप पानी में जब गिरते हैं तो क्या होता है, एकदम पानी क्या होता है, छपाक से चारों तरफ फैलता है, सेम वही चीज स्प्लैश सिस्टम है। तो आपको देखते हैं इसमें क्या होता है, इसमें देखिए क्या होता है, आपके जो छन्नी होती है स्टेनर, ये आपका इंजन का नीचे सम्प होता है पूरा, जो कि वेट क्यों कहलाता है, क्योंकि गीला होता है। ये क्या होता है, पूरे में इसको ऑयल भरा हुआ रहता है, इसलिए हम इसे कहते हैं वेट, वेट सम, ठीक है। तो यहाँ पे इसमें क्या होता है, इसके अंदर ऑयल भरा हुआ होता है, ये छलनी होती है नीचे, जब ऑयल छन के इसमें से छलनी स्टेनर में से जाता है, उसके बाद क्या होता है, ऑयल आपका पंप में जाता है। पंप में जाने के बाद ऑयल क्या करता है, इस तरीके से ये आपकी इसमें जाता है, ये तो ये कटोरियां लगी होती है, इसमें ऑयल क्या होता है, सब तरफ भर जाता है, इस तरीके से लगातार कटोरियां होती है, इनमें ऑयल क्या होता है, भर जाता है। ऑयल भरने के बाद क्या होता है, यहाँ पर आपका लगा हुआ होता है ऑयल पैन, मतलब इस तरीके समझिए, इस तरीके चम्मच टाइप का मान लीजिए, ऐसे ये चम्मच टाइप का होता है। इसमें क्या होता है, जैसे ही ये चम्मच से इसमें ऑयल पैन में से घुसता है तो क्या होता है, जैसे ही ये ऊपर के लिए घूमता है तो ये छपाक से क्या करता है, इतनी तेज घूमता है कि पूरी तरफ ऑयल को स्प्लैश कर देता है, चारों तरफ जो इंजन की ये क्या होता है, स्प्लैश हो जाता है। तो जैसे ही ये ऑयल इसमें से निकलता है, पूरी तरफ इंजन में क्या होता है, स्प्लैश हो जाता है। तो चारों तरफ ऐसी सेम, इधर भी होता है ये स्प्लैश होता है, फिर इधर स्प्लैश होता है। तो इसमें क्या होता है, सारे जितने भी इंजन के कंपोनेंट होते हैं इसमें, तो क्या होता है, ऑयल जो होता है स्प्लैश के थ्रू, इसमें ऑयल क्या होता है, चारों तरफ इंजन के सारे कंपोनेंट में होता है, ऑयल चला जाता है। और जो भी इसमें बियरिंग होते हैं, उनमें होल्स होते हैं, बियरिंग के होल्स में घुस जाता है ताकि जो बियरिंग में होने वाला फ्रिक्शन है फ्रेंड्स, वो कम हो जाए। ऐसी तरीके से इसमें भी छपाक से जाएगा ऑयल, इसमें सारा फ्रेंड्स घुस जाएगा। तो ये होता है स्प्लैश सिस्टम। आप लोग को स्प्लैश सिस्टम बेसिकली समझ में आ गया होगा, कुछ भी इसमें डिफिकल्टी नहीं है, बस इसमें स्प्लैश होता है, छपाक की तरह इसमें जाता है, चारों तरफ ऑयल आपका होता है। फिर बाद में क्या होता है, ग्रेविटी आपको जानती है, ग्रेविटी के कारण क्या होता है, ऑयल नीचे आ जाता है और दोबारा इस सम के अंदर इकट्ठा हो जाता है। फिर वही चीज स्ट्रेनर से जाता है, फिर ऊपर इसमें भर जाता है, फिर दोबारा ये क्रैंकशाफ्ट घूमती है और आपका जो होता है यूज हो जाता है। तो फ्रेंड्स ये स्प्लैश सिस्टम का अब तो ज्यादा यूज नहीं किया जाता, क्योंकि ये थोड़ा सा मतलब लॉसफुल है, इसमें ज्यादा मतलब फायदा नहीं है, इससे भी नुकसान हो जाता है, इसलिए इसका ज्यादा यूज नहीं करते हैं, ठीक है। तो आप लोग को ये जो मुझे बताना था, बाकी प्रेशर की इसका काम क्या होता है, जो प्रेशर को चेक करता रहता है कि पंप के अंदर प्रेशर ठीक तो है, कहीं ज्यादा प्रेशर तो नहीं है, पंप सप्लाई तो ज्यादा नहीं कर रहा है। तो इस तरीके से जो है आपका स्प्लैश सिस्टम फ्रेंड्स काम करता है, इसमें से जाता है, आप लोग को पूरा मैंने बता दिया। ये बियरिंग्स होते हैं, बेरिंग का काम क्या होता है, बेरिंग तो आपको बताओ घुमाने के लिए काम होते हैं, बेरिंग में चला जाता है ताकि इसमें फ्रिक्शन कम हो, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट। अब देखिए स्प्लैश एंड प्रेशर, स्प्लैश एंड प्रेशर लुब्रिकेशन सिस्टम। ये लुब्रिकेशन में आप देख सकते हैं स्प्लैश वाला तो होगा ही होगा, मतलब जो इससे पीछे वाला फिगर था वो वाला तो आपको लुब्रिकेशन होना ही, मतलब छपाक तो मामला होना ही होना है यहाँ पे, साथ में प्रेशर के साथ भी लुब्रिकेशन जाना है। तो मतलब यहाँ दो काम होने, एक तो स्प्लैश प्लस प्रेशर। तो बताता हूँ कैसे। यहाँ देखिए यहाँ का स्टेनर से गया, वही सेम फिगर, बिल्कुल सेम फिगर, कोई भी चेंज नहीं। ये कैमशाफ्ट, ये क्रैंकशाफ्ट, ये बिग एंड, ये स्मॉल एंड, ये आपका प्रेशर, प्रेशर वाला, ठीक है फ्रेंड, प्रेशर गेज। तो यहाँ देखिए आपका क्या होता है, स्टेनर के थ्रू क्या होता है, ऑयल जाता है, पंप में जाता है। फिर यहाँ देखिए ये क्या होता है, यहाँ पे देखिए ये वाला, ये जो ऑयल पैन होती है वो तो होती होती है, जो उसमें लगी हुई थी आप मान लीजिए, ये तो होती होती है। तो स्प्लैश वाला सिस्टम तो सेम वही फॉलो करा जाता है, जो स्प्लैश वाला पहले होता है। लेकिन जो फ्रेंड्स आपका प्रेशर वाले से, इसमें प्रेशर का क्या मतलब है, क्यों प्रेशर यूज करा है, ये बताता हूँ। देखिए क्या होता है, इसमें पूरी एक ऐसे करके सिस्टम असेंबली रखी हुई होती है, देखिए पूरा पाइप जा रहा है, ये दिख रहा होगा आपको, ये देखिए पूरा पाइप। तो ये क्या होता है, ये सारे जितने भी बेयरिंग्स होते हैं, देखिए बेयरिंग में सबसे ज्यादा फ्रिक्शन होता है, आप लोग को पता है, मेन बेयरिंग ही होते हैं क्योंकि वही घूमते हैं, उसी के अंदर शॉर्ट घूमती है, फ्रिक्शन वही होता है। तो ये सारे बेयरिंग में क्या करता है, प्रेशर के थ्रू पंप क्या करता है, सारे बेयरिंग के अंदर ऑयल को सप्लाई करता है, मतलब इसमें से गया इस बेयरिंग में,
फिर इस बैरिंग में, फिर इस बैरिंग के अंदर ऑयल गया, फिर ऐसे इस वाले क्रैंक शॉफ्ट के बिग एंड एंड इस पे गया, फिर ये जितने भी बियरिंग्स होते हैं आप दिख रहे होंगे, इन सारे बियरिंग के अंदर जो होता है ऑयल जो होता है पंप के थ्रू प्रेशर के थ्रू सप्लाई भी किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये होता है आपका स्प्लैश प्लस प्रेशर, मतलब स्प्लैश भी हो रहा है यहाँ पे कटोरी के थ्रू और साथ में क्या हो रहा है फ्रेंड्स प्रेशर के थ्रू यानी पंप के थ्रू, इसमें जो उसके बियरिंग्स होते हैं जो भी इसके अंदर घूमने वाली असेंबली होती है उनके अंदर क्या होता है छोटे छोटे होल होते हैं ऐसे ऐसे करके आपके, इनमें सीधे ऑयल चला जाता है। तो क्या होता है यहाँ पे आपका जो बियरिंग होता है इसमें ऑयल सब तरफ चला जाता है और यहाँ होता है फ्रिक्शन से क्या कर लेता है बचा लेता है। तो ये फ्रेंड्स आपका स्प्लैश एंड प्रेशर लुब्रिकेशन सिस्टम, मेरे ख्याल से मैंने इसे बहुत अच्छी तरीके से आपको समझा दिया है और आपको क्लियर हो गया होगा कैमशॉफ्ट। बाकी आपको कोई भी चीज छोटी मोटी क्लियर नहीं होती तो आप क्या नाम है नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको अप्लाई कर दूंगा। बाकी टेलीग्राम ग्रुप में भी आप ज्वाइन कर लें, वहां भी आपको इस चीज के बारे में बता दूंगा। बाकी मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा ताकि आपको कोई भी किसी तरीके से समझने में दिक्कत ना हो, एक से दो बार आपको बता दूंगा इसलिए आपको वीडियो में बता दे रहा हूं मैं। ठीक है तो फ्रेंड स्प्लैश तो आपको दिखेगा होगा, यहाँ पे स्प्लैश हो रहा है सब जगह, मतलब छपाक हो रहा है, साथ में प्रेशर मनी पंप के थ्रू ये सब लाइंस लगी हुई हैं, इनमें आपका क्या होता है जो सप्लाई की जाती है। तो इसका भी जो होता है फ्रेंड थोड़ा सा कम यूज करा जाता है, इसका यूज भी क्या करते हैं कम यूज करते हैं कम, तो ये वाला जो चीज होती है इसका भी यूज हमारा क्या करा जाता है कम करा जाता है। अब ज्यादा यूज नहीं होता क्योंकि इसमें दोनों तरफ की मतलब देख सकते हैं स्प्लैश की साथ साथ में झंझट वाला काम है, फिर प्रेशर का भी आप झंझट कर रहे होते हैं, इसमें क्या ज्यादा लॉसेस होने के चांसेस रहते हैं इसलिए इसका यूज कम किया जाता है। अब आता है तीसरा जो सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, ये देख लिए फ्रेंड प्रेशर फीड सिस्टम, इसमें केवल और केवल क्या है प्रेशर। तो इसका जो होता है सबसे ज्यादा यूज होता है, सबसे ज्यादा याद रखिए क्यों यूज करते हैं इसका ज्यादा मैं बताता हूँ, क्योंकि इसमें देखिए कोई भी ऑयल पैन जैसी चीज नहीं है, छपाक जैसी कोई चीज नहीं है, इसमें ऑयल का वेस्टेज बिल्कुल नहीं होगा, इसमें बस देखिए क्या होगा वही सेम ऊपर वाले में केवल प्रेशर वाला काम करेगा, क्या होगा सारी लाइन्स होंगी देखिए जिसके थ्रू आपका क्या होगा इस बियरिंग में ऑयल गया, ठीक है पंप के थ्रू प्लस इस बियरिंग में ऑयल गया, ठीक है फिर इस बियरिंग में ऑयल गया कैमशॉफ्ट है आपकी याद रखिए कैमशॉफ्ट, ये जो होगा आपके पिस्टन ये वॉल्व वगैरह खोलने के काम आती है, ठीक है जो वॉल्व वगैरह होते हैं इनके अंदर वो खोलती है। तो फिर देखिए फिर इसमें गया ऑयल में, इसके बेयरिंग में गया, इसके बेयरिंग में गया, तो ये पंप के थ्रू क्या करते हैं सारे बेयरिंग में जितने भी होते हैं स्टेनर यानी छलनी के थ्रू जाता है ऑयल और इसके थ्रू आपके सारे बेयरिंग के अंदर सप्लाई कराता है। इससे क्या होता है देखिए किसी भी तरीके का ऑयल वेस्टेज नहीं होता है इसके अंदर, कहीं यहाँ ऑयल फंस रहा है, इसमें क्या होता है जो छेद मतलब मेन होल होता है जैसे मान लीजिए ये होल्स हैं इनके थ्रू पूरे जो इंजन की असेंबली होती है इसमें क्या होता है आपका जो जो बेयरिंग्स होते हैं उनमें ऑयल फ्लो हो जाता है। तो इससे क्या होता है आपका लॉसेस कम होते हैं और आपका जो ऑयल होता है बिल्कुल परफेक्ट जगह पे जाता है और परफेक्ट तरीके से जो आपका ऑयल होता है वो एकदम जो कैमशॉफ्ट कह सकते हैं आपका जो इंजन की एक एक जो बियरिंग्स होते हैं उसमें क्या होता है बिल्कुल ईजिली तरीके से चला जाता है। बाकी आपका ये प्रेशर रिलीफ वाल्व कह सकते हैं, प्रेशर गेज कह सकते हैं, इसका यूज करा जाता है इसके अंदर। तो फ्रेंड ये सबसे ज्यादा यूज करा जाता है आजकल के उसमें। बाकी एक मेन बियरिंग होता है और आपका ये मोस्टली लिखा है मोस्टली यूज, सबसे ज्यादा इसका क्या होता है यूज होगा। मेरे ख्याल से आपको ये भी बिल्कुल एक तरीके से क्लियर हो गया होगा बेसिक तरीके से। अब देखिए ये वेट सम्प लुब्रिकेशन सिस्टम, ठीक है गीला सम्प और लुब्रिकेशन सिस्टम है। देखिए यहाँ पे भी आपका क्या वेट सम्प लुब्रिकेशन सिस्टम है, इसमें अंतर क्या आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ देखिए आपका क्या ये आपका क्या लगा स्ट्रेनर वेट सम्प, क्योंकि ये गीला है, वेट सम्प मतलब गीला मतलब सम्प मतलब ये सम्प होता है, तो नीचे वाला इंजन का असेंबली होती है उसे क्या कहते हैं सम्प। तो नीचे से पूरा आपका इस तरीके से दिखाई देता है कुछ, अगर मैं फिगर बनाऊं तो कुछ इस तरीके से होगा आपका टैंक टाइप का ये, जिसके अंदर आपका इसके ऊपर आपकी क्रैंक जो असेंबली होती है वो घूमती रहती है इस तरीके से, ये इस तरीके से, ठीक है ये। और यहाँ पे आपका आगे फ्लाई व्हील वगैरह लगा हुआ था, तो यहाँ पे देख सकते हैं इंजन बेयरिंग, यहाँ पे देख सकते हैं ये देखिए पंप के थ्रू आपको ऑयल गया, ये पंप लगा हुआ है, पंप से क्या गया इंजन के अंदर गया। बाकी यहाँ पे देखिए बीच में आपका प्रेशर रेगुलेटर लगा होता है जो रिलीफ रेगुलेटर कह सकते हैं, रिलीफ वाल्व भी लगा रहता है, बाकी ऑयल फिल्टर होके भी इसमें फिल्टर हुआ और ऑयल यहाँ पे फिल्टर होके भी इसमें चला गया, ठीक है दो तरीके से भी ऑयल जा सकता है इसके अंदर, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये बहुत बेसिक है, इसमें इसका जो है ज्यादा पेपर पर्पज से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा ये पूछा जाता है प्रेशर फीड वाल्व की सबसे ज्यादा कौन सा यूज किया जाता है। ठीक है तो आगे देखते हैं कि देखिए गियर टाइप लुब्रिकेशन सिस्टम, गियर टाइप में आप देख सकते हैं आप यहाँ से देखिए पंप के थ्रू आपका क्या गया सॉरी इनलेट हुआ, यहाँ पे इनलेट हुआ, उसके बाद क्या हुआ ये गियर के आपके क्या घूमेंगे रोटर ये ब्लेड्स घूमेंगे, तो ये क्या करेंगे ऑयल को आगे बढ़ाते चले जाएंगे और इसके थ्रू आपका क्या होगा इंजन में क्या होगा ऑयल सप्लाई हो जाएगा। और यहाँ पे प्रेशर रिलीफ वाल्व लगा हुआ होता है, क्यों ये जब घूमेगा तो यहाँ देखिए गियर पंप का ये पूछा जाता है पेपर के अंदर, गियर पंप जो होते हैं वो हमेशा हाई विस्कस फ्लूइड के लिए यूज कर जाते हैं, किसके लिए जिसकी विस्कोसिटी क्या होती है हाई
विस्कस फ्लूड, तो आपको पता होगा जैसे ग्रीस वगैरह हो गया ठीक है, या फिर बहुत ज्यादा गाढ़े फ्यूल्स होते हैं उनकी विस्कोसिटी क्या होती है, वो बहुत गाढ़े होते हैं उनकी विस्कोसिटी क्या होती है फ्रेंड, बहुत ज्यादा होती है। तो इसी तरीके से आपके गियर पंप का जो यूज करा जाता है वो हाई विस्कोसिटी फ्लूड से ही यूज करा जाता है ठीक है। तो इसीलिए गियर पंप में आपका देखिए ये जो इंपेलर वगैरह है ब्लेड वगैरह इनमें जो आपका ऑयल्स होता है ग्रीस या फंस जाता है उसका इसके थ्रू होता है, फिर इंजन को आपको क्या कर देते हैं हम सप्लाई कर देते हैं ठीक है। बाकी प्रेशर अगर ज्यादा होता है उसे रिलीव कर देते हैं, कम कर देते हैं। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड ड्राई सम्प, देखिए ड्राई सम्प मतलब सूखा, अब यहाँ पे देखिए सूखा सम्प आ गया, तो इसका कारण क्या है। देखिए सूखे सम्प में और वेट सम्प वाले में देखा नीचे सम्प में ऑयल भरा हुआ था, इसमें और उसमें मेन अंतर यही है। चलिए देखिए यहाँ पे जो सम्प होता है पूरा ड्राई रहता है, तो फिर होता क्या है आपको बताता हूँ। देखिए इसमें अलग से टैंक होता है पूरा, मतलब आपका जो ऑयल का टैंक होता है जिससे आपको मोबिलाइज वगैरह जो भर देते हैं जो भी आपको ऑयल करना होता है वो क्या होता है ऑयल आपका मतलब एक तरीके से प्रेशर चेक होता रहता है, यहाँ पे प्रेशर रिलीव वाला होता है ज्यादा होता है कम कर देते हैं। और यहाँ पंप के थ्रू क्या करते हैं इस टैंक में से ऑयल को क्या करते हैं बियरिंग के अंदर, आपको पता है बियरिंग के अंदर ही फ्रिक्शन होता है, इंजन की जो बियरिंग होती है घूमने वाली चीजें होती है उनके अंदर आपका क्या करते हैं ऑयल को सप्लाई कर देते हैं। तो जैसे ही फ्रेंड्स ऑयल को सप्लाई करते हैं, ऑयल को सप्लाई होने के बाद आपको पता ही होगा ऑयल जो होता है सप्लाई होने के बाद उसमें नीचे गिरने लगता है, फिर नीचे गिरने के बाद आपका इकट्ठा कहाँ पे होगा ड्राई सम्प में। तो इसे ड्राई सम्प क्यों कहा गया जबकि इसके अंदर तो मतलब आपका सम्प में जो है बाद में जब इंजन के अंदर ऑयल सप्लाई हो जाएगा वो नीचे ही गिर जाएगा। तो इसका कारण है फ्रेंड क्योंकि इसके अंदर मतलब भरा नहीं होता ना फ्लूड, मतलब इसके अंदर जो आपका जैसे अलग से टैंक यूज कर लिया गया उसमें क्या होता है इसी में आपका फ्लू मतलब जो आपका होता है मोबिलाइल या को भी कह सकते हैं जो भी आपका लुब्रिकेंट होता है और इस उसी लुब्रिकेंट को इसी के अंदर से लेते हैं और इसी में घुमाते हैं फिर इसी में लौटाता है। लेकिन इसमें क्या होता है आपका जो लुब्रिकेंट होता है वो ये सूखा रहता है, सूखा क्यों क्योंकि जितना लुब्रिकेंट आया उतना आपका दोबारा यहाँ पे देखिए जब यहाँ पे फिर ये भर गया मान लीजिए जो इसमें से जो बियरिंग से आता हुआ बियरिंग से जो लुब्रिकेंट नीचे गिरा वो इसके अंदर फिर ड्राई सम्प में भर गया, तो फिर उसे क्या करते हैं आपका यहाँ पे पंप के थ्रू और प्रेशर वाल्व के थ्रू दोबारा जो टैंक होता है उसमें सप्लाई कर दिया जाता है। तो इसीलिए ड्राई सम कहलाता है क्योंकि इसके अंदर जो ऑयल पहले से फ्लूड भरा हुआ नहीं होता है, मतलब जो भी लुब्रिकेंट होता है आपका पहले से भरा हुआ नहीं होता है और इसमें जो आपका सप्लाई होता है वो डायरेक्ट इसमें से हम फ्रेंड कर सकते हैं। तो ये फ्रेंड्स आता है ड्राई सम के अंदर ठीक है, इसका भी ज्यादा यूज नहीं किया जाता है, ये भी मतलब नॉर्मली तरीके से इसका यूज करते हैं। अब देखिए कुछ लुब्रिकेंट जो यूज करते हैं उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बता देता हूँ जो काफी पेपर पर्पज से काफी कंफ्यूजन पैदा करते हैं और ये पेपर में आते ही आते हैं इसलिए मैंने ये लिख लिया, वरना तो वीडियो में मैंने आपको मोस्टली सारी चीजें समझा दी, बस कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट से आपको बता देता हूँ। देखिए फ्लैश पॉइंट और फायर पॉइंट, फ्लैश पॉइंट और फायर पॉइंट में अंतर क्या है, फ्लैश पॉइंट के जस्ट बाद ही फायर पॉइंट आता है। देखिए मिनिमम टेम्परेचर एट विद सफिशियंट फ्लेमेल वेपर इज ड्राइविन ऑफ द फ्लैश व्हेन ब्रॉट इनटू द कॉन्टेक्ट विद फ्लेम, मतलब समझिए जब फ्लेम जो होती है मिनिमम टेम्परेचर मतलब एक सफिशियंट मिनिमम टेम्परेचर जो कि वेपर इज ड्राइवन ऑफ द फ्लैश व्हेन ब्रॉट इनटू द कांटेक्ट विद, जब फ्लेम के कांटेक्ट में आती है तो मिनिमम वो टेम्परेचर फ्लेम के कांटेक्ट में जिसमें जो वेपर होती है वो ड्राइवन ऑफ द फ्लैश मतलब एक तरीके से कह सकते हैं स्टार्टिंग ही होती है, बस आप समझ लीजिए जो आपकी वेपर की स्टार्टिंग होती है मतलब जो कि आपका लुब्रिकेंट होता है ठीक है। और फायर पॉइंट में क्या है, मिनिमम टेम्परेचर एट विद द इनफ्लेमेबल वेपर विल कंटिन्यू टू फॉर्म एन स्टेडी बन वंस इग्नाइटेड, मतलब जब एक बार इग्नाइटेड करी जाती है मतलब इसमें क्या होता है जब एक बार इग्नाइटेड की गई और वो क्या हुई वो जल गई ठीक है। तो फायर पॉइंट कहलाता है, आपको ये मतलब फायर पॉइंट आपका नहीं होना चाहिए ज्यादा, मतलब फ्लूड का ज्यादा ही होना चाहिए, बनना क्या होगा नुकसान हो जाएगा जल जाएगा। तो आपने देखा होगा जो ग्रीस वगैरह होता है या मोबिल ऑयल होता है वो काला हो जाता है, तो क्यों होता है, अगर आपका फायर पॉइंट अच्छा है आपका किसी भी लुब्रिकेंट का तो उसमें क्या होगा कि वो जल्दी जलेगा नहीं, काला नहीं पड़ेगा और आपको नुकसान नहीं होगा। बाकी इंपॉर्टेंट पॉइंट है सबसे ज्यादा पूछा जाता है पेपर के अंदर पोर पॉइंट, तो देखिए पोर पॉइंट को भी समझ लेते हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको बता रहा हूँ। मोस्टली सारे पेपर के अंदर एसएससी जेई यूपी ट्रिपल एससी जेई आईएएस गेट वगैरह सब में इससे क्वेश्चन आता है तो कोई पता होना चाहिए। ठीक है द पोर पॉइंट इंडिकेट द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच वन ऑयल स्टॉप फ्लोइंग द पंप, मतलब वो पॉइंट जिसमें जो मतलब ऐसा टेम्परेचर जिसपे ऑयल मतलब कह सकते हैं बियरिंग के अंदर जाना ही बंद कर दे, मतलब एक तरीके से वो जम जाए ऐसा समझिए जैसे उसके अंदर वैक्स वगैरह आ जाए, या कह सकते हैं कि ऐसा मिनिमम टेम्परेचर जिसमें ऑयल जो होता है फ्लो करना बंद कर दे, तो वो टेम्परेचर क्या कहलाता है आपका फ्लो मतलब पोर पॉइंट टेम्परेचर कहलाता है। एक बार दोबारा देखते हैं द पोर पॉइंट इंडिकेट द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच एन ऑयल स्टॉप फ्लोइंग टू पंप बियरिंग और सिलेंडर वॉल्व, ठीक है मतलब जो फ्लो करना बंद कर दे तो आपका क्या कहलाता है पोर पॉइंट, तो इसे आप याद रखिए ठीक है। बाकी ये फ्रेंड्स कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव हैं जो कि मैंने मुझे लगा कि आपको थोड़े से दो तीन चार ऑब्जेक्टिव आपको करा दूं ताकि आपके लिए किसी भी तरीके की कोई दिक्कत ऑब्जेक्टिव से समझ में भी ना हो। जो आए हुए क्वेश्चन बता देता हूं, देखिए मोस्ट कॉमनली यूज्ड लुब्रिकेशन सिस्टम, तो एसएससी जेई 2019 का क्वेश्चन अभी ये सितंबर जो मैं एग्जाम हुआ था उसका जो क्वेश्चन है, तो मैंने आपको बताया था प्रेशर सिस्टम जो होता है आपका सबसे ज्यादा फ्रेंड्स यूज करा जाता है। द मैक्सिमम प्रेशर इज द लुब्रिकेशन सिस्टम, देखिए मैक्सिमम प्रेशर आपको बताया था मैंने प्रेशर रेगुलेटर वॉल्व या रिलीफ वॉल्व लगा हुआ होता है वॉल्व रिलीफ, उसके थ्रू हम क्या करते हैं प्रेशर को हम क्या करते हैं सप्लाई मतलब वो करते हैं
पता है इतनी कंट्रोल करते हैं। द लुब्रिकेंट कॉमनली यूज इन ऑटोमोबाइल, तो ऑटोमोबाइल के अंदर कॉमनली कौन सा लुब्रिकेंट यूज करा जाता है, तो वो आपको यूज करा था मिनरल ऑयल। ठीक है फ्रेंड्स, मिनरल ऑयल। देखिए ऑयल प्रेशर इन द ड्राई सम लुब्रिकेशन, देखिए सूखे वाला बताया था ना, सूखा चैम्बर होता है उसमें अलग से टैंक लगा हुआ होता है, तो उसके अंदर प्रेशर कम रखता है थोड़ा, 3 से 8 bar के आसपास होता है, बार में। ठीक है, मैंने सारे यहाँ पे लिख दिए, 3 से 8 bar के आसपास होता है। तो फ्रेंड्स ये थी मेरी वीडियो जिसमें मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट MCQs और जो भी लुब्रिकेंट से रिलेटेड और जिस भी इंजन के अंदर जो जो लुब्रिकेशन प्रोसेस होती है सारी प्रोसेस को आपको बेसिक डिटेल के साथ आपको डिस्कस कर दिया, ताकि एक ही डाउट आपका मैंने इसमें क्लियर कर दिया। कोई भी तरीके से मेरे ख्याल से आपको नहीं लगता इसमें कोई किसी भी तरीके का फ्रेंड्स कोई डाउट आएगा। इस वीडियो के अंदर मैंने आपको मतलब सारे जितने भी आपके इंजन के अंदर लुब्रिकेशन सिस्टम यूज होते हैं वो सारे लुब्रिकेशन सिस्टम को बेसिकली तरीके से बहुत बेसिक तरीके से आपको समझा दिया है। फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, बाकी जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं उनमें ये वीडियो को शेयर जरूर कर दें, क्योंकि वीडियो उन्हीं सबके भी काम आएगी और आपके तो काम आने ही वाली है। तो फ्रेंड मैं अभिषेक किसी तरीके की लेटेस्ट वीडियो के साथ आपके साथ हमेशा मिलता रहूंगा, तब तक आप और भी जो मैंने मैकेनिकल की वीडियोज बनाई है उन्हें आप लोग देखते रहिए और अपने आगे वाले एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते रहिए। तो फ्रेंड्स ऑल द बेस्ट आपके सारे एग्जाम्स के लिए, बाकी मैं अभिषेक आपके साथ नेक्स्ट वीडियो फिर मिलूंगा। थैंक यू सो मच।